दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ सबसे अजीब दिखने वाले जानवरों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाओगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तब वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ग्रे पोटो। अगर आप इस जानवर को पहली बार देख रहे हैं तब यह आपको बिल्कुल ही अजीब और असामान्य पक्षी की तरह लग रहा होगा, जिसकी बड़ी आंखें नीले और पीले रंग की हैं। अपनी बनावट की वजह से यह जीव खतरा महसूस होने पर आसानी से छिप जाता है और किसी टहनी की तरह पेड़ पर चिपक जाता है। एक बार पेड़ में घुलने के बाद इस जानवर को तब तक पहचानना नामुमकिन है जब तक कि यह अपनी चोंच नहीं खोलते, और यह अपनी चोंच तब खोलते हैं जब कोई इन्हें डराता है और यह उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं। पहले यह अपनी आंखें खोलते हैं, जिसे दिन के समय यह पूरी तरह बंद रखते हैं, जिसके बाद यह अपनी चोंच को खोलते हैं और जोर से आवाज करने लगते हैं। इनकी आवाज कुछ हद तक बत्तख की तरह होती है, जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इसके अलावा यह पक्षी रात में शिकार करता है जब कोई इनकी चमकीली आंखों को नहीं देखता। लॉन्ग नोज्ड मंकी। जब कोई पहली बार इन बंदर को देखता है तब उनका पहला सवाल यह होता है कि क्या यह सच में इनकी नाक है, और लोगों का दूसरा सवाल यह होता है कि आखिर इनकी नाक इतनी बड़ी क्यों है। तो इसका जवाब प्रकृति है, जो सच में बहुत अजीब है। यह बंदर बोर्नियो आइलैंड पर पाए जाते हैं, जिन्हें यह नाम इनकी बड़ी नाक की वजह से मिला है, क्योंकि इस जानवर को देखते ही किसी भी इंसान की नजर सबसे पहले इनकी नाक पर ही पड़ती है। साइंटिस्ट के मुताबिक लॉन्ग नोज मंकी अन्य बंदरों की तरह सामान्य नाक के साथ पैदा होते हैं, लेकिन समय के साथ इनकी नाक का साइज बढ़ता जाता है और प्यूबर्टी के समय इनकी नाक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही इनकी नाक का साइज इनके लिए मादा से संबंध बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक नर की नाक जितनी बड़ी होती है वह उतनी तेज किसी मादा से संबंध बनाने के लिए आवाज निकाल पाता है, जिससे मादा को पता चलता है कि संबंध बनाने वाला नर बिल्कुल स्वस्थ है। एशियन सीप सैट ब्रासे। इस मछली को खूबसूरत कह पाना बहुत मुश्किल है, जिसका चेहरा देखने में बड़ा ही फनी लगता है। जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानव प्रकृति ने इन्हें दूसरे जानवरों से बचे हुए हिस्सों को जोड़कर बनाया है। यह मछली जापानी आइलैंड, कोरियाई पेनिनसुला और साउथ चीन की समुद्री चट्टानों में पाई जाती है। कई लोगों को यह मछली अनअट्रैक्टिव लगती है, इसीलिए डाइवर्स के बीच यह मछली अपने निकनेम श्रैक से मशहूर है। एक व्रासे मछली 1 मीटर लॉन्ग होती है, जिसका वजन 14 किलो से ज्यादा होता है। शायद इस मछली को भी पता है कि यह देखने में अच्छी नहीं लगती, और इसीलिए इनके शरीर में नर और मादा दोनों के ऑर्गन्स होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर अपना सेक्स बदल भी सकते हैं। आइस्पिनोस हेडचैट। मरीन हेडचैट फिश एक छोटी सी मछली है, जो समुद्री सतह से 200 से 1000 मीटर की गहराई में पाई जाती है, और इनकी बनावट देखने में बड़ी ही डरावनी है। इस छोटी सी मछली का बड़ा मुंह, ठोस फिन्स और चपटी चमकदार बॉडी एक हेडचैट ब्लेड फिश की बनावट को दर्शाती है, जो आपसे जितनी तेज हो सके उतनी तेज तैर कर भाग जाती है। इनकी आंखें किसी टेलीस्कोप की तरह बहुत बड़ी होती है, और ऐसा लगता है कि यह हमेशा सिर्फ ऊपर की तरफ देखती है। इस प्रजाति की मछली के हर एक सदस्य के पास ल्यूमिनियस ऑर्गन भी होते हैं। इसके अलावा यह मछली तैरते हुए लाइट नहीं बिखेरती, बल्कि तैरते समय यह अपने शिकारियों की आंखों से और ज्यादा ओझल हो जाती हैं। रेड लिप्ड बैट फिश। रे फिंड फिश की यह प्रजाति गैलापागोस आइलैंड पर पाई जाती है। बैट फिश अपनी अजीब बनावट की वजह से लोगों के बीच काफी मशहूर है, क्योंकि इस मछली के चमकदार लाल होंठ पानी में रहने वाली किसी सेलिब्रिटी की तरह है। इस मछली को आप समुद्र में 3 से 76 मीटर की गहराई में देख सकते हैं। रेड लिप्ड बैट फिश अपने पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स का इस्तेमाल पानी के नीचे चलने के लिए करती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक यह अपने लाल होंठ का इस्तेमाल शिकार को आकर्षित करने के लिए करती हैं। पर कुछ ही समय पहले
इनके इन होठों का मकसद साफ हो गया है कि जब यह मछली मैच्योर होती है तब इनके डॉर्सल फिन सिंगल स्पाइन प्रोजेक्शन में बदल जाते हैं, जो शिकार को लुभाने का काम करते हैं। यह मछली एक असामान्य गंध छोड़ती है जो वॉर्म्स, क्रस्टेशियंस और स्मॉल फिश को आकर्षित करती है। पर इनके लाल होठ इतने चमकदार क्यों हैं? यह अभी भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप 5 चैनल को।